पाठ सप्तदशः संबोधनम्। जब कोई किसी को पुकारता है, ऐसा शब्द संबोधन में आता है। किसी को अपनी ओर बुलाना या दूर से पुकारना संबोधन होता है। संबोधन के चिन्ह हे, अरे, रे, भो हैं। जैसे हे बालक, त्वम कुत्र गच्छसि? हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? संबोधन रूपाणि एकवचनम्, द्विवचनम्, बहुवचनम्। पुल्लिंग हे बालक, हे बालकाओ, हे बालकाह। स्त्रीलिंग हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाह। नपुंसकलिंग हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। प्रवीणः रचितः नितिनः च वार्तालापं कुर्वन्ति। हे रचित, त्वं किं करोषि? हे रचित, तुम क्या कर रहे हो? हे प्रवीण, अहम् सज्जः भवामि। हे प्रवीण, मैं तैयार हो रहा हूँ। किमर्थम्? कुत्र गच्छसि? किस लिए? कहाँ जा रहे हो? अहम् नितिनः च रक्तदान शिविरं गच्छावः। मैं और नितिन रक्तदान शिविर जा रहे हैं। हे रचित, हे नितिन, युवाम तत्र किमर्थं गच्छतः? हे रचित, हे नितिन, तुम दोनों वहां क्यों जा रहे हो? हे प्रवीण, आवाम तत्र रक्तदानाय गच्छावः। आवयोः अन्यानि मित्राणि अपि तत्र गच्छन्ति। वयं तु त्रिशो मासेषु एकवारं रक्तदानं कुर्मः। हे प्रवीण, हम दोनों वहां रक्तदान के लिए जा रहे हैं। हम दोनों के अन्य मित्र भी वहां जा रहे हैं। हम सब तो तीन मास महीने में एक बार रक्तदान करते हैं। हे मित्रे, एतत् कार्यं तु अतिशोभनम् अस्ति, अहम् अपि चलामि। हे मित्रो, यह कार्य तो बहुत अच्छा है, मैं भी चलता हूँ। हे मित्र, रक्तदानं पुण्यकार्यः भवति, रक्तदानेन कस्यापि जीवनस्य रक्षा भवति। हे मित्र, रक्तदान पुण्यकार्य होता है, रक्तदान से किसी के जीवन की रक्षा होती है। अनीता अपि तत्र आगच्छति। अनीता भी वहां आ जाती है। हे मित्राणि, यूयं कुत्र गच्छत्? हे मित्रो, तुम सब कहाँ जा रहे हो? हे अनीते, वयं रक्तदान शिविरं गच्छामः, त्वं अपि रक्तदानाय चल। हे अनीता, हम सब रक्तदान शिविर जा रहे हैं, तुम भी रक्तदान के लिए चलो। आम मित्राणि, अहम् अपि चलामि। हाँ मित्रो, मैं भी चलती हूँ। शोभनम्, बहुत अच्छा। विशेष अम्बा शब्द का संबोधन एक वचन का रूप हे अम्ब होता है। प्रथमा विभक्ति तथा संबोधन के रूप एक वचन में अलग होते हैं, परंतु द्विवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। प्रायः नपुंसक लिंग शब्दों के संबोधन रूप प्रयुक्त नहीं होते हैं।